Assalamu alaikum, I am Dr. Mariam Malik, working as an aesthetic dermatologist at Royal Cosmetic Surgery और आप देख रहे हैं Tabib.pk। पिछली वीडियो के अंदर हमने पिगमेंटेशन की बात की थी और उसके ट्रीटमेंट्स के अंदर मैंने सबसे पहले ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस की बात की थी। सो आज मैं बेसिकली ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस को ही डिस्कस करना चाहूँगी। ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस, जिनको आम जबान में आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस भी कहते हैं। ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी में नेचुरली ही प्रेजेंट होता है, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली। और ये ग्लूटाथायोन हम बहुत ज़्यादा सारी क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक इलनेसेस के ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वहीं पर देखा गया कि वो एज अ रिज़ल्ट उन्हीं पेशेंट्स के अंदर हमें वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स नज़र आते थे। सो बेसिकली इट वॉज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ ग्लूटाथायोन और दैट इज़ हाउ ग्लूटाथायोन हमारी एस्थेटिक इंडस्ट्री में आ गया। अब हम ग्लूटाथायोन को तीन डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ बेसिकली गिवन एज टॉपिकल, ओरल एंड आईवी, मतलब इंजेक्शन में भी दिया जाता है। टॉपिकल की पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, ओरल की एब्जॉर्प्शन बहुत अमेजिंग नहीं होती। सो जो सबसे एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग ग्लूटाथायोन है फॉर वाइटनिंग, आईवी ग्लूटाथायोन इज़ द बेस्ट चॉइस। ग्लूटाथायोन बेसिकली जो मेरा आइडिया है टू यूज़ इट इज़ फॉर द पेशेंट्स जिनमें पिगमेंटेशन हो, जिनको कोई छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, कोई अनइवन स्किन टोन है, दैट इज़ वेयर वी रिकमेंड ग्लूटाथायोन। बट बहुत ज़्यादा सारे लोग हमारे पास आते हैं फॉर वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स, जिनको मे बी अपनी स्किन को थोड़ा सा और बूस्ट करना होता है, थोड़ा ग्लो लाना होता है। ग्लूटाथायोन डज वर्क फॉर देम एज वेल, लेकिन ये नहीं होता कि आप कहें कि बहुत ज़्यादा शेड्स लाइटर हो जाता है। दैट इज़ नाउ नॉट हाउ ग्लूटाथायोन वर्क्स। मैक्सिमम 1 to 2 शेड्स इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आती है। और जैसे हम फिट्ज़पैट्रिक स्केल के ऊपर स्किन कलर्स को डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारी एशियन स्किन है दैट कम्स लाइक अराउंड 3 to 4 स्केल के ऊपर वो लाई करती है, 3rd to 4th ग्रेड पे। और ग्लूटाथायोन जो है वो आपको इस ग्रेड से बाहर नहीं निकालता, सिर्फ शेड्स में डिफरेंस लेकर आता है। आप रहते उसी एशियन टोन में ही रहते हैं। सो आई ऑलवेज टेल पेशेंट्स कि नॉट के इफ़ यू आर ऑन शेड 10 यू विल गो टू शेड 2, आप मैक्सिमम 1 या 2 शेड्स का डिफरेंस फील करेंगे। रेस्ट ये होता है कि इट इज़ एन इम्यूनिटी बूस्टर एज़ वेल, क्योंकि हम इसके साथ बहुत ज़्यादा सारे इसको कॉकटेल्स की फॉर्म में भी इंजेक्ट किया जाता है, विटामिन सी भी साथ दिया जाता है। सो ये इम्यूनिटी को भी बेहतर करता है। और जो बाकी बहुत ज़्यादा मेरे से ये क्वेश्चन किया जाता है कि इसके अंदर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सो अभी तक हम इसको जब भी इंजेक्ट करते हैं तो हम LFTs और RFTs को मॉनिटर कर रहे होते हैं साथ। जिन पेशेंट्स को मैं नहीं एडवाइज़ करती वो हैं जो आइदर दे आर प्रेगनेंट या दे आर ब्रेस्ट फीडिंग फॉर देम, या वो किसी और क्रिबलिंग डिजीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, या किसी कोई ऐसा अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, देन आई डोंट रिकमेंड ग्लूटाथायोन फॉर देम। अदरवाइज़ हाँ, ज़्यादा हमने बस वाटर इनटेक हाई रखनी होती है ताकि वो अच्छे तरीके से एक्सक्रीट आउट हो जाए। रेस्ट वी हैव नॉट सीन एनी प्रॉब्लम विद पेशेंट्स। हमने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को इंजेक्ट किया है, वी कीप ऑन मॉनिटरिंग देम एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल गुड। सो इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन, इफ़ यू हैव क्वेरीज रिगार्डिंग ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस, डू कम टू अस, विजिट अस एट रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी F7 Islamabad, वी आर देयर टू हेल्प यू।